सबसे तेज खबर साउथ ईस्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट जनपद के थाना क्षेत्र इगौना इलाके की है, जहां पर आपको बता दें मामा और भांजा एक ही बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल जा रहे थे, तभी वो महामाया डिग्री कॉलेज के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। ऐसे में दोनों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर 28 वर्षीय संतोष गौतम पुत्र राम कुमार निवासी भयापुरवा लालपुर खतरा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे बाइक सवार जो मृतक का भांजा था जिसका नाम दिव्यांश पुत्र राम निवास निवासी खरगोदा गणेश था, उसे डॉक्टरों ने आनंद फानंद जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। आज इकोना इलाके के भयापुरवा लालपुर खतरा में श्रावस्ती और बहराइच जनपद से दोनों की लाश एक साथ पहुंची, जहां पर पूरे गांव में कोहराम की स्थिति दिखाई पड़ी। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के भयापुरवा लालपुर खतरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मामा के घर पर ही अंतिम संस्कार के लिए भांजे के लिए भी टिक्की तैयार की गई और दोनों टिक्कियों पर दोनों को लाद कर शमशान पहुंचाया गया, जहां पर दोनों का अंतिम संस्कार किया। जिसने भी ये दृश्य देखा उसका हृदय पिघल उठा और उसके आंखों से आंसू बह उठे। भयापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मामा और भांजे की एक साथ लाश पहुंची। लाश देखने के लिए गांव के साथ साथ आसपास के गांव के भी सैकड़ों लोग उमड़ पड़े और लोगों का यहां पर जमावड़ा लग गया। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिसे इंसान भुलाना भी चाहे तो भूल नहीं पाता है। ऐसा ही मामला श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के लालपुर खतरा से सामने आया, जहां पर एक सड़क हादसे में मामा और भांजे दोनों की मौत हो गई, जिसके चलते पूरे गांव में कोहराम पसरा हुआ है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं इकोना इलाके के भयापुरवा लालपुर खतरा की ये तस्वीरें, जहां पर सुबह सवेरे से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और एक एक पल बरसों की भांति लोगों के गुजर रहे थे। आखिरकार शाम होते ही जहां मामा संतोष गौतम की लाश भिनगा श्रावस्ती से पहुंची, वहीं दूसरी लाश जो भांजे की थी दिव्यांश की थी वो बहराइच जनपद में पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंची। लोगों ने एक साथ ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। इकोना इलाके के लालपुर खर्रा में दोनों शवों को पहुंचाया गया, जहां पर सुबह सवेरे से ही लोग एकत्र होकर दोनों लाशों के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जब यहां पर मामा और भांजे की लाश पहुंची तो लोगों का जमावड़ा लग गया और लोग दबित हो उठे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके में दो परिवारों में उस वक्त मातम पसर गया, जब दोनों होली की खुशी में बाइक पर सवार होकर बलरामपुर जनपद के लिए जा रहे थे, तभी यह सड़क हादसा सामने आया था, जिसमें संतोष गौतम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसे डॉक्टरों ने इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया था, जबकि दिव्यांश को आनंद फानंद जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसने भी अपनी सांसें छोड़ दी और वो परलोक सिधार गया। भयापुरवा लालपुर खतरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में लोगों का उस वक्त हुजूम उमड़ पड़ा, जब दोनों की लाश गांव में पहुंची और मामा भांजे को एक साथ ही अंतिम विदाई दी गई, दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।
जिसने भी ये खबर सुनी या देखी वो भयापूर्वा लालपुर खदा की तरफ दौड़ पड़ा और लोगों का हृदय दबित हो उठा। आपको बता दें, दिव्यांश की अभी शादी भी नहीं हुई थी, जबकि संतोष गौतम के एक बेटा और दो बेटियां हैं जिनके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। ऐसे में उसके बीवी बच्चे काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि संतोष गौतम जो दूसरे राज्य में रहकर मेहनत मजदूरी करता था, वो अभी कुछ ही घंटों पहले श्रावस्ती जनपद पहुंचा था। जब वो अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी बीवी मायके गई हुई है। ऐसे में वो अपनी बीवी से मिलने अपने ससुराल जा रहा था और भांजा घर पर आया हुआ था, तो उसे भी वो साथ लेकर चल पड़ा। बीच में ही ये सड़क हादसा सामने आया जिसमें मामा और भांजे दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में व पूरे गांव में कोहराम की स्थिति दिखाई पड़ी। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के भयापुरवा लालपुर खदा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देर शाम दोनों का शव पहुंचा, जिसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी तादाद में लोगों का हुजूम दिखाई पड़ा, जो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने व दोनों के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। इस बारे में पड़ोस के ही एक व्यक्ति से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार को इस पीड़ित परिवार की मदद भी करनी चाहिए। क्या नाम है, एक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ महामाया कटरा से पहले महामाया स्कूल के पास, वो मामा भांजे मतलब जा रहे थे ससुराल बलरामपुर के पास, क्या नाम है गाँव उसका जवनार। अब रास्ते में क्या हुआ ये तो पता नहीं लगा, मतलब किस वाहन से हुआ कैसे हुआ ये तो पता नहीं लगा, लेकिन पोस्टमार्टम एक तो अनस्पार खत्म हो गया था। उनका क्या नाम था? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? लालपुर खदरा के। और दूसरा? और दूसरा उनका भांजा था। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? दिव्यांश। वो कहाँ का है? वो वहाँ खरगोरा बनियास का है। तो एक को तो यहाँ से रिफर करवा दिया गया, क्या नाम है, बहराइच के लिए। बहराइच में मतलब उसकी डेथ हो गई। अब पोस्टमार्टम हो गया है, आज भैया लेकर आ रहे हैं। मतलब ये संतोष गौतम जो यहाँ आपके गांव के रहने वाले हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? जैसे पारिवारिक स्थिति भैया ये बहुत गरीब तक देखे हैं, तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, गवर्नमेंट से, कि उनको जो हो सके इनका इनकी जो है मदद का प्रयास कीजिए और कर आप लोग भी करवाइए। कितने बच्चे हैं उनके? तीन बच्चे हैं, दो लड़की है एक लड़का है। दोनों लाश आ गई है? बस रास्ते में है भैया, पहुंच रही है। ये कहाँ जा रहे थे अपने रिश्तेदारी में? किस जगह जा रहे थे? ससुराल जा रहे थे। अच्छा, करता है ससुराल? यहाँ जमुनार के पास बलरामपुर में। जी जी। दुर्घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी मिली? दुर्घटना के बारे में कोई मतलब किससे टकराए क्या हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।